मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली बर्ती देवी एक बार फिर मुश्किलों में फंस गई है। ग्वालियर जिले के टपरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बर्ती देवी की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी बर्ती देवी ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया है, उन पर 7 अपराध दर्ज है। इमरती देवी के खिलाफ 7 मुकदमे में से 6 मुकदमे डबरा सिटी थाने में और 1 मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज है। नामांकन निरंतर और आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता संकेत साहू ने अपनी शिकायत में कहा है कि इमरती देवी पत्नी पूरन सिंह निवासी चिनोर रोड डबरा जानबूझ करके आपराधिक प्रकरण एवं तथ्य छिपा करके फॉर्म भरने व सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांतों का उल्लंघन किया है। इमरती देवी पर डबरा थाने में अपराध संख्या 633 वर्ष 2007, 353, 186, 664, 120वीं अपराध क्र, 668 अपराध का 817, 888 निराकरण विरुद्ध अधिनियम 1984 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। शिकायत में यह भी बताया गया कि इमरती देवी ने 2008 के चुनाव में भी नामांकन फॉर्म के अपराध छिपाए थे और इसके बाद चुनाव में भी यही किया। निर्वाचन आयोग दिल्ली भोपाल और माननीय श्री अक्षय कुमार सिंह जी जिला निर्वाचन अधिकारी जी को एक मामला संज्ञान में लाया गया है, एक आवेदन दिया गया है जिसमें डबरा विधानसभा 19 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी के द्वारा है ना जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें अपनी आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई गई है। क्या क्या अपराध थे, क्या अपराध कितने हैं? इनके खिलाफ डबरा शहर थाने में 6 मुकदमे कायम हैं और पिछोर थाने में 1 मुकदमा कायम है। 7 के 7 प्रकरण जानबूझकर अपने शपथ पत्र में इमरती देवी जी के द्वारा छुपाए गए और ये पहला मौका नहीं है कि 2023 में ही इन्होंने मतलब अपने प्रकरण छुपाए हैं। इमरती देवी जी के द्वारा पहला चुनाव 2008 में डबरा विधानसभा से ही लड़ा गया था और 2008 के भी शपथ पत्र में, 2013 के शपथ पत्र में, 2018, 2020 और 2023 पांचवा विधानसभा चुनाव है, इमरती देवी जी के द्वारा सबके सब शपथ पत्रों में विधानसभा चुनाव में अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी जानबूझकर छुपाई गई है। डबरा विधानसभा के एक केस में तो ये 420 की भी आरोपी हैं और इनके खिलाफ 1 मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज है। डबरा थाने में 6 मुकदमे हैं, पेशोर थाने में इनके खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज है। जो प्रेक्षक महोदय साहब हैं उनकी नॉलेज में ये मामला लाया है, उनको तथ्य प्रमाण स्वरूप डॉक्यूमेंट भी दिए हैं। जो भी शासन नियमानुसार कार्रवाई करे, शासन को तत्काल कार्रवाई करने से करनी चाहिए, उनका जो कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे। देखो अगर चुनाव का समय चल रहा है, इलेक्शन का समय चल रहा है, इनको तत्काल ही जैसे ही कल शिकायत प्राप्त हुई, आवेदन प्राप्त हुआ, तत्काल 24 घंटे के अंदर जांच करके इनको रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी कलेक्टर साहब को और तत्काल की तत्काल कलेक्टर साहब उस पर निर्णय लेते। अब अगर जब देरी से निर्णय लेंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का जो व्यक्ति है वो एक तरह से विधायक बन जाएगा या नहीं भी बनेगा। जब उसने 5 बार पिछले चुनावों में जानकारी छुपा ली, इस बार वो ऐसी जानकारी छुपा लेगा। हमारा किसी से भी कोई व्यक्तिगत कैसे मान पड़ा था, किस तरह से दस्तावेज हमने सूचना के अधिकार तहत निकलवाए, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई वो नहीं है। लेकिन हमारा बस ये है कि राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है ना, जो वो रुकना चाहिए। कल एक वकील साहब द्वारा एक आवेदन आपत्ति प्रस्तुत की गई थी एक कैंडिडेट के खिलाफ, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया था कि कुछ शपथ पत्र में कुछ तथ्य छुपाए गए हैं। तो चूंकि शपथ पत्रों की स्क्रूटनी एक दिन पूर्व ही हो चुकी थी, परसों ही हो गई थी और शपथ पत्र विधिमान होने से स्वीकृत किए जा चुके थे, इसलिए वर्तमान में किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाता है। मेरी जानकारी में नहीं है, ये निर्वाचन का विषय भी नहीं है। निर्वाचन का विषय रहता है कि शपथ पत्र पूर्ण होना चाहिए और पूर्ण शपथ पत्र पर उस समय समीक्षा के समय कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस आपत्ति पर संज्ञान लेके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाती है।